नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिर्फ मेहर समाज के लिए कार्य नहीं किया, अपितु राष्ट्र के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। तो हम सब मिलकर ये संकल्प लें और उनके उन्होंने जो हमें उद्देश्य दिखाए कि हम बुराइयों को दूर करें, कुरूतियों को दूर करें, अशिक्षा को दूर करें, हम शिक्षावान करें और राष्ट्र की नीतियों में सहभागिता निभाएं। मैं पूरा देश और दुनिया के समस्त नगरवासियों को और समाज भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 4 अगस्त 1884 को परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी का मखंडला गुजरात में जन्म हुआ और 1 जनवरी 1966 को उनका देहावसान हुआ। और उनके यदि हम राष्ट्रहित के योगदान की बात करें तो जो जूनागढ़ स्टेट था, जिस समय 1947 में जूनागढ़ स्टेट को स्वतंत्रता दिलाने में और हमारे भारतीय गणतंत्र और भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का बहुत बड़ा योगदान पूज्य बापू मालदेव जी के लिए रहा है। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने कार्य किया। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने जब आरजी हुकूमत आजाद हिंद फौज बनाई थी, उसके स्वराष्ट्र के सेना नायक भी परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी रहे। बोलो परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की। बोलो परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की। बोलो मेहर समाज की। आज ये जो कार्यक्रम हमने जयंती की शुरुआत 1999 से की थी और आज लगभग 10 लाख लोग, मैं इसमें कोई अतिशयोक्तिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे समाज बंधु फैले हुए, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम और मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, रायसेन है, विदिशा है, सीहोर है, सब जगह बापू मालदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। और उससे बढ़कर हमारे सौराष्ट्र में, पोरबंदर में, जूनागढ़ में, अहमदाबाद में, यशोद में और जामनगर में, कई जगह पे परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की आज जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे संरक्षक आदरणीय टीकाराम खंडेल साहब, आदरणीय नवल सिंह साहब और हमारे बहुत ही सम्मानीय उपाध्यक्ष राजन जी, हमारे सलाहकार आदरणीय फूल सिंह मेहर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकुमार मेहर साहब, हमारे सुनील भाई और हमारे कोषाध्यक्ष नारायण सिंह मेहर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। और भी ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, ये पुष्पांजलि का आज दिन भर का कार्यक्रम है। जो भी आएंगे सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित हैं और सुबह से लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करके जा चुके हैं। और एक बात और मैं आपको अवगत कराने जाता हूँ, क्योंकि जयंती का कार्यक्रम आज है, जयंती महोत्सव आज है, लेकिन प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक जिले और प्रत्येक स्थानों में बापू मालदेव जी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम 8 अगस्त को रखा है और 8 अगस्त को रजधाम गार्डन, जो कि ठीक बापू मालदेव जी की चौराहे के करीब में है, वहाँ ये आयोजन रहेगा। और इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और यहाँ तक राजस्थान और गुजरात के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं यशवंत सिंह हूँ, मेयर समाज का प्रदेश अध्यक्ष।